हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके को अपने गार्डन में सीधे कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के और बिना पैसे खर्च किए अपने गार्डन के लिए खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस खाद को अपने गार्डन में यूज करने के बाद आपके पौधे फूलों से लदे और हरे भरे दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने किचन के वेस्ट मटेरियल को कैसे डायरेक्ट गमले में यूज करते हैं। मैंने 2 दिन का ये गीला कचरा जमा किया है, या आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हर तरह के छिलके जैसे संतरे के छिलके, कद्दू के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, सेब के टुकड़े सकते हैं। सबसे पहले गमले में थोड़ा मिट्टी डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा वेस्ट मटेरियल डालेंगे। इस तरह से वेस्ट मटेरियल डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा वेस्ट मटेरियल और डालेंगे। अब इस तरह से खाद तैयार करें तो डायरेक्ट इसमें प्लांट न लगाएं। अगर आपको ज़्यादा पौधे लगाने हैं तो 2 या 3 गमले में आप खाद बनाने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इससे खाद बनाने में 1 या 2 मंथ लग जाते हैं। ध्यान रखें, गमले में सबसे नीचे मिट्टी का 2 इंच का लेयर होना चाहिए, उसके बाद 2 इंच का वेस्ट मटेरियल का लेयर, उसके बाद फिर से 2 इंच का मिट्टी का लेयर, और उसके बाद फिर 2 इंच वेस्ट मटेरियल का लेयर, और उसके बाद फिर लास्ट में 2 से 3 इंच मिट्टी का लेयर होना चाहिए। गमले को मिट्टी से पूरा भर देने के बाद लगभग 1 या 2 मंथ के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, जिससे कुछ 1 से 2 मंथ के बाद ये किचन वेस्ट मटेरियल खाद में बदल जाएगा, और फिर उसमें हम अपने पौधे को रोप सकेंगे। आप ये सब जो सूखे फूल देख रहे हैं, ये सब हर दिन में अपने मंदिर में भगवान जी पे जो चढ़ाती हूँ वो है। मैं इसे भी इकट्ठा करके गमले में डाल देती हूँ। ये देखिए, इसमें फूल, बेलपत्र वगैरह सब कुछ है। इसे भी आप कचरे में फेंकने के बजाय अपने गमले में यूज करके आप उसे भी हरा भरा खूबसूरत बना सकते हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पौधे की ट्रिमिंग कैसे करते हैं। हर पौधे को हमेशा कटिंग करते रहना चाहिए, जिससे ये घने होते हैं। ये हिबिस्कस का पौधा है, जिसे आप गुड़हल या जवा फूल भी कहते हैं। इसके टिप को इस तरह से तोड़ देंगे, जिससे यह और भी घना हो जाएगा। मैंने इसके टिप को पहले तोड़ा था, तो देखिए इसकी साइड से और भी टहनियाँ निकल रही हैं। आप अपने हर पौधे जैसे तुलसी, कड़ी पत्ता, सदाबहार के ऊपरी सिरे को इसी तरह तोड़ते रहिए, जिससे आपके सारे पौधे इसी तरह से घने दिखेंगे। मैंने इस कड़ी पत्ता को भी की भी ट्रिमिंग की है, जिससे ये इतना घना दिख रहा है। ये सब पौधे जो आप देख रहे हैं, इन सभी में मैंने
इन्हीं किचन वेस्ट मटेरियल की खाद का यूज किया है। देखिए एक ही गमले में कितने सारे फूल खिले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।